दोस्तों भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कुछ राज्य अमीर है तो कुछ काफी गरीब। कुछ जगहों पर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो कुछ इंडस्ट्री पर। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP कैलकुलेशन के अनुसार साल 2021 और 22 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात भारत के सबसे अमीर राज्य थे। पर आज के इस वीडियो में हम 2023 में भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें उस राज्य की GDP, प्रति व्यक्ति आय और सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों के इस लिस्ट में मध्य प्रदेश भारत का 10वां सबसे अमीर राज्य है, जिसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP लगभग 9.37 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वैसे 7.26 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले इस राज्य का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश की ज्यादातर कमाई इसके इंडस्ट्री, सर्विसेज और करीब 62% GDP इसके एग्रीकल्चर सेक्टर पर टिकी है। नंबर 9, तेलंगाना। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से 11वां और आबादी के से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य तेलंगाना अमीर राज्यों के सूची में 9th नंबर पर है। तेलंगाना में कई फसलें जैसे तंबाकू, गन्ना, कपास और आम जैसे फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है। इस राज्य में कई बड़ी कंपनियां दवाई बनाने का काम भी करती है। आपको बता दें कि तेलंगाना की टोटल GDP करीब 9.57 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 8, आंध्र प्रदेश। लगभग 4.93 करोड़ की आबादी और 9.71 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की GDP के साथ आंध्र प्रदेश भारत का 8वां सबसे अमीर राज्य है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,70,000 रुपए सालाना है। हालांकि इस राज्य के पास पर्यटन स्थलों का खजाना है जो कि यहाँ के अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। वैसे एक सर्वे के अनुसार तेलंगाना राज्य की आय का मुख्य स्रोत इसके एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और करीब 47% GDP इसके सर्विस सेक्टर पर टिकी है। नंबर 7, राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हमारे इस लिस्ट में 7वां सबसे अमीर राज्य है, जिसकी GDP करीब 9.98 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। आपको बता दें कि राजस्थान एक प्राकृतिक संसाधन से भरा राज्य है, जिसकी ज्यादातर अर्थव्यवस्था इसके एग्रीकल्चर, माइनिंग और टूरिज्म सेक्टर पर टिकी है। नंबर 6, वेस्ट बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल इतिहास से ही भारत का सबसे संपन्न और अमीर राज्य रहा है। यहाँ आज के समय लगभग 9.13 करोड़ की आबादी निवास करती है। वैसे आपको बता दें कि 12.7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की GDP के साथ वेस्ट बंगाल आज के समय भारत का 6ठा सबसे अमीर राज्य है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल अकेले ही पूरे देश का करीब 20% चावल और 35% आलू का उत्पादन करता है। नंबर 5, कर्नाटका। 191,791 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले कर्नाटका की पॉपुलेशन लगभग 6.11 करोड़ से भी ज्यादा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिलिकॉन उत्पादन में कर्नाटका भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही कर्नाटका में पुष्प उद्योग तेजी से उभरता और फलता हुआ उद्योग है, जिसमें देश भर में सजावटी पौधे और फूल की आपूर्ति की जाती है। आपको बता दें कि कर्नाटका राज्य में भारत की सबसे बड़ी IT हब की संख्या भी है। इसी वजह से इस राज्य की GDP करीब 16.28 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा कर्नाटका के GDP में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और करीब 64% GDP इसके सर्विस सेक्टर पर टिकी है। नंबर 4, गुजरात। 6.04 करोड़ की पॉपुलेशन वाले गुजरात की GDP 16.30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जिसके साथ ही गुजरात भारत का 4था सबसे अमीर राज्य है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ औद्योगिकरण का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने हीरे और रत्न के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात की अर्थव्यवस्था का 19% हिस्सा इसके एग्रीकल्चर सेक्टर पर टिकी है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश। दोस्तों क्षेत्रफल के लिहाज से 4था और आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अमीर राज्यों के इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आता है, जिसकी GDP लगभग 16.87 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और 50% GDP में इसके सर्विस सेक्टर का योगदान है। नंबर 2, तमिलनाडु। दोस्तों हमारे इस लिस्ट का दूसरा सबसे अमीर राज्य तमिलनाडु है, जिसकी मौजूदा समय में GDP लगभग 17.97 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लगभग 7.21 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले इस राज्य का करीब 50% से ज्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं, जिसकी ज्यादातर अर्थव्यवस्था इसके ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और करीब 53% GDP इसके IT सेक्टर पर टिकी है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। तो चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की। भारत के 10 सबसे अमीर राज्यों के इस लिस्ट में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसकी मौजूदा समय में GDP लगभग 28.18 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 11.23 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 2,42,000 रुपए सालाना है, जिसकी राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है। इतना ही नहीं, पर्यटन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कई उद्योग महाराष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्य उद्योगों में बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम भी शामिल है, जिसका GDP को विकसित करने में काफी बड़ा योगदान होता है। वैसे दोस्तों आप किस राज्य से है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।